हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे सुनो, मेरे लिए भी कॉफी ले आना। और मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वो भी इतनी जल्दी में? अरे यार, वो तुमसे कुछ कहना था। हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। क्या बात है, मुझसे कहने के लिए तुम्हें सोचने समझने की जरूरत पड़ती है? जो बोलना है बोल दो यार। नहीं यार, वो कल तारिका का फोन आया था। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, तो उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से तुम परेशान हो और तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत है? तो श्रेया आज घर पे है। तो उसको देखने एक लड़का आ रहा है। सर कॉफी। शादी के लिए? हाँ रियली। अच्छा है। अच्छा है? क्या अच्छा है? और कुछ नहीं कहना। मैं क्या कहूं? उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं, क्या कहेगी वो बताया भी नहीं मुझे। कौन है वो? उसके पिताजी के दोस्त का बेटा है। आज शाम 4 बजे वो लोग आ रहे हैं उसके घर पे। अच्छा है, श्रेया के लिए अच्छा है। सच्चाई से भागने की कोशिश मत करो दया, बात करो उससे। मैं क्या बात करूं उससे? अरे अपने बारे में, उसके बारे में। नहीं, उसने मुझसे कुछ कहा नहीं। और किसी के साथ उसकी शादी होने वाली है, वो खुश है, मैं भी खुश हूं यार। ऐसा मत कर मेरे भाई, कोई तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है उसका हाथ थाम लो इससे पहले कि देर हो जाए। जीत, तुम जो कह रहे हो शायद मैं नहीं कर पाऊं यार। अरे लेकिन क्यों नहीं कह पाओगे यार? तुमने भी तो अभी तक डॉक्टर तारिका से कुछ नहीं कहा। जो काम तुम खुद नहीं कर सकते, प्लीज उस बात की नसीहत तुम दूसरों को मत दो। यार अभिजीत, सॉरी, देखो मैं ये नहीं कर सकता। खड़े हो जाओ। हाँ, मैं कहता हूँ चुपचाप खड़े हो जाओ, चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे चलो तो। अरे यार चलो अभिजीत, छोड़ो तो चलो। कहाँ खो गए? यार मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ आया क्यों? यहाँ क्यों आए? भाई साहब आप यहाँ श्रेया से बात करने आए। मैं श्रेया से क्या बात करूँगा? अच्छा अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि क्या बात करनी है। चलो भाई। यार मेरी समझ में कुछ नहीं। एक मिनट, यहाँ से गेट तक पहुंचोगे ना सब समझ में आ जाएगा क्या बोलना है और क्या नहीं। चलो भैया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा भैया, प्लीज। अरे चलो।
हाय श्रेया, कैसी हो तुम? क्या बात है सर? वो मैं हम लोग अभिजीत सर, बोलिए ना क्या बात है? नहीं वो ऐसे ही, मतलब क्या बोलना है आपको? हाँ हम लोग ऐसे, मतलब अरे बेटे कौन है? अरे दया बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। श्रेया उन्हें अंदर बुलाओ। हाँ सर आइए ना प्लीज। सर प्लीज। हेलो। हाँ अच्छा ठीक है, सॉरी मुझे जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम है, मैं फिर कभी। हाँ हाँ अब तो आना ही होगा, श्रेया की शादी में तो आओगे ना। ठीक है मैं फिर कभी आ जाऊंगा। ओके बाय। क्या बात हो गई? नहीं ये फोन आ गया, खून हुआ है, हमें जाना होगा। अरे एक 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 मिनट, मैं जाता हूँ ना, तुम बात करो ना श्रेया से। नहीं ये बाद में कर लेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। अरे यार दया इतना अच्छा मौका मिला, ये गलती मत करो दया। अरे सुनो मैं जा रहा हूँ ना, मैं चलता हूँ। लाश किधर है? चाकू के गांव है, कई बार वार किया गया है। दोनों बॉडीज पर किसी और चोट का निशान नहीं है। और सर कोई हाथापाई के निशान भी नहीं है हाथों पर। लगता है दोनों सोए हुए थे जब इन पे हमला हुआ, उठने या भागने का मौका ही नहीं मिला। क्यों दया? हाँ काफी तेजी से मारा है खूनी ने दोनों को, अंधाधुन छटपट आकर दम तोड़ दिया होगा दोनों ने। सर खूनी के एक्सेस ज्यादा भी हो सकते हैं? हो सकता है। कमरे की तलाशी लो, देखो हथियार कहाँ है। तुम में से किसी ने देखा खून होते हुए? नहीं साहब, हम दोनों जब अंदर आए। साहब, मेम साहब, साहब, मेम साहब। के अंदर खून हो गया है? किसी को अंदर आते देखा? नहीं साहब कोई नहीं आया। कोई जान पहचान वाला आदमी, अजनबी आदमी? साहब जब भी कोई अंदर आता है तो मैं उसका नाम और फोन नंबर रजिस्टर में एंट्री कर लेता हूँ। सो कोई चाकू या हथियार नहीं वाला,
रुपए गहने भी सही सलामत है, कोई लूटपाट भी नहीं हुई। सर, किशोर नाम है मरने वाले का, घंटाघर में कपड़े की दुकान है और उसकी बीवी का नाम जया है। किशोर, कमरे से सारे फिंगरप्रिंट्स उठा लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर है जहां से खूनी अंदर आया है। एक श्रेया आपके लिए खास है और एक श्रेया दया सर के लिए खास है। श्रेया बेटा, तुम कहां खो गई हो? दरअसल आंटी, श्रेया अपने आने वाली जिंदगी के सपनों में खो गई है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही। ये दे, ये तुम पे कितना अच्छा दिखेगा, है ना? ठीक है मम्मी, लाइए। अरे वाह, आज हमारी बिटिया कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ पापा, आप खुश तो है ना? हाँ बेटा, और तुम भी कितनी खुश लग रही हो। देखो, हमारी तरफ से तो हाँ है, बस अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, बस। ऐसा आदमी घर के अंदर घुसा है जिसे घर वालों की पूरी जानकारी थी। हो सकता है इनकी जान पहचान वाला कोई हो जिसके पास घर की चाबी हो। आखिरी बार कब देखा तेने? सर, कल रात को मैंने देखा था, मैं अपना काम खत्म करके चली गई थी। जब तुम यहाँ से गई तो घर में कौन कौन था? सिर्फ मेम साहब थे, साहब तब तक नहीं आए थे। क्या? साहब कब आए? साहब करीब 11 बजे आए थे साहब। अच्छा, तुम दोनों के अलावा घर में कोई था नहीं, बाहर से कोई आदमी अंदर आया नहीं, तो फिर हेलो। हाँ क्या, और दो लोगों पे हमला? डॉक्टर साहब, मैं इसे भी प्रद्युमन सीआईडी से। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ प्रशांत और प्रेमा ये पति पत्नी को एडमिट किया है, उन्हें चाकू से मारा गया है, उनके बारे में पूछताछ करनी है। सर, वो दोनों हस्बैंड वाइफ की बच्चों की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने किसी का इंतजार किए बगैर इलाज शुरू कर दिया है। हस्बैंड को हमने बचा लिया है, लेकिन वाइफ की तबीयत अभी भी नाजुक है। फिर उन दोनों को लाया किसने यहाँ पर? ये बंगले का वॉचमैन। दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? रमेश। क्या हुआ वहां पर, बताओ जरा। साहब, मैं बंगले के बाहर था, मैंने अचानक साहब के चीखने की आवाज सुनी, मैं भाग के अंदर गया और मैंने देखा कि मैंने साहब उसका पीछा किया पर वो अंधेरे में गायब हो गया। अंधेरे में गायब हो गया। श्रेया, क्या सोच रही? अपनी किस्मत पे हंस रही थी। मतलब? ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जिसके बारे में मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करते भी है या नहीं। मगर श्रेया, मगर क्या पूर्वी, तुमने देखा ना वो कैसे चले गए।
मैं समझती हूँ कि काम आ गया था, लेकिन अभिजीत सर थे ना, वो अभिजीत सर को भी तो भेज सकते थे ना। श्रेया, हो सकता है वो तुमसे बात करने आए हो। तो फिर कुछ कहा क्यों नहीं? कुछ तो कह सकते थे वो, दो मिनट की बात थी, समथिंग। वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, उन्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए जो सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा। मैं अब उन्हें और दुखी नहीं कर सकती पूर्वी। मतलब तुम सिद्धार्थ को हाँ बोल दोगी? प्रशांत जी, मैं एसीबी प्रद्युमन सीआईडी से। अब ठीक है? अच्छा, क्या आप बता सकोगे कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? मैं और मेरी वाइफ सो रहे थे। मेरी वाइफ ने अचानक मुझे जगा दिया। प्रशांत, प्रशांत उठो। कोई है लग रहा है। घर में घुसा है। देखो, नीचे से आवाज आ रही है। एक मिनट। प्रशांत, मुझे डर लग रहा है। प्रशांत, डरो मत, डरो मत, जरा बैठो। मैं हूं ना। वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन ने उसे देख लिया था। वो बहुत डर गया था, तो वो भागने गया। और फिर कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, आपने उस कोने का चेहरा तो देखा होगा ना? नहीं, जल्दी जल्दी हो गया, कुछ दिखाई नहीं दिया। चल ठीक है, अब आराम कीजिए और जल्दी ठीक हो जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम उस खूनी को जरूर पकड़ लेंगे। मेरी वाइफ तो ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए, कमिंग। पहले दो लोगों का खून और अब फिर इन दोनों पर हमला। तुम बेरहमी से चाकू की वार की है, लगता है हमला करने का तरीका एक ही है, खूनी भी एक ही होना चाहिए। सर, ये जो भी हमलावर है, ये सीरियल किलर भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। काम करो काबिल, प्रशांत के घर का बाहर का जो एरिया है ना, अच्छी तरह से छान मारो। देखो, खूनी ने भागते वक्त कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। देखो अच्छी तरह से। फ्रेडी, मुझे अच्छी तरह से याद है, 10-15 साल पहले एक आदमी इसी तरह से खून करता था, इसी तरह से बेरहमी से चाकू की वार किए उसने लोगों पर, और फिर उसे उम्र कैद की सजा भी हो गई। जरा देखो, पता लगा है कहां पर वो इस वक्त और उसका नाम क्या है। यस सर। सर, हाँ सर, किशोर जी के घर पे काम करने वाली औरत ने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल ठीक कहा था सर। वो 9:30 बजे अपने घर पहुंच गई थी और सुबह 8:30 बजे घर से निकली। और किशोर के घर कब पहुंची? आधे घंटे के बाद, तकरीबन 9 बजे सर। और एक बात और,
जब इस औरत का मोबाइल हमने ट्रैक किया तो पता चला कि इसका मोबाइल इसके घर पे ही था रात से लेके सुबह तक। अच्छा, और वॉचमैन? सर वॉचमैन का तो कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आसपास वालों का कहना है कि बहुत ही शरीफ आदमी है वो। सर सर ये देखिए सर, 15 साल पहले जिनके खून हुए थे वो इस आदमी ने किए थे। नाम है पुनीत, उम्र 30 साल, सेंट्रल जेल में है। और सर ये उनके फोटो है जिनके खून हुए हैं। इनके शरीर पर भी ठीक वैसे ही चाकू के निशान है जैसे अभी मिली लाशों पे है। इस चाकू से वार किए थे उसने? बॉस, बॉस पता लग गया। पहले जोड़े की मौत हुई है रात को 12 बजे और दूसरे कपल की मौत हुई है सवेरे 4 बजे। और ये देखिए, कुछ इस तरीके का है ये हथियार जिससे हमला हुआ। ये तो बिल्कुल वैसा ही चाकू है जैसा पुनीत के रिकॉर्ड्स में है। अरे चाकू भी वैसा, खून करने का तरीका भी वैसा, तो क्या खून पुनीत ने किया है? कहां तक गए थे आप? वहां तक सर, एकदम आखिरी तक। इशिता, देखो कुछ मिलता है क्या? यस सर। आप यहां से आगे क्यों नहीं गए? साहब इसके आगे बहुत अंधेरा था, वो अंधेरे में गायब हो गया। आप वॉचमैन हैं, टॉर्च लाठी कुछ नहीं आपके पास? थी सर, पर अचानक साहब की चीख सुनी तो मैं घबरा गया। एक खूनी घर के अंदर घुसता है, खून करके चला जाता है और आपको कुछ पता नहीं चलता। सो रहे थे आप? नहीं सर, कसम से। सर हाँ करण, सर कमरे और खिड़कियों पर से सारे फिंगरप्रिंट ले लिए सर। गुड सर। आशिता ये देखिए। ओ चाकू। जनरल साहब, आपकी जेल में एक पुनीत नाम का सीरियल किलर ना? बस इतनी से बात? हम मुझे बात मुझे फोन पर बता देते तो आपको यहाँ पे आने की तकलीफ नहीं होती। जनरल साहब हम खुद मिलना चाहते हैं उससे, लेकिन पिछले हफ्ते ही उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। ये जानते हुए भी कि वो एक सीरियल किलर है, आप लोगों ने कैसे छोड़ दिया उसे? यहाँ से बाहर निकलते फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया उसे। उसका बर्ताव अच्छा था इसलिए उसे छोड़ दिया। जेल में आने के बाद वो पूरा बदल गया था, सबसे मिलजुल कर रहता था, यहाँ तक कि किसी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था वो। एक बार जेल में आग लग गई, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने 6 कैदियों को उस आग से बचाया, इसलिए जेल प्रशासन ने उसे छोड़ दिया। ठीक है जनरल साहब, पुनीत के रिकॉर्ड की एक कॉपी चाहिए हमें। चलना छाड़ू के जल्दी देना यार रिपोर्ट। यार रिपोर्ट तैयार तो होने दो, देख रहे हो काम कर रहा हूँ, खड़ा तो नहीं हूं यार। तुम घोड़े पे सवार होते हो यार हमेशा। मैं क्या करूँ फिर? एक मिनट जरा तसल्ली रखो, देता हूँ, एक मिनट रुको यार। नहीं हो रहे, ये फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे। हाँ, हमारे डाटाबेस में जो उंगलियों के निशान है वो उन उंगलियों के निशान से मैच नहीं होते जो आप लोग लेके आए, जो झुलसी हुई। ये कैसे हो सकता है सालू के साहब, सारे सबूत तो पुनीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन बॉस मेरी रिपोर्ट भी गलत नहीं हो सकती सर। हाँ सर, जेल से पुनीत की फिंगरप्रिंट्स मिले अभी के, और उसके अच्छे बर्ताव के लिए उसे रिहा कर दिया गया है सर। सालू के चेक कर रहा। मगर सर अभी तो हमने पुनीत की फिंगरप्रिंट्स चेक किए थे, उसका रिजल्ट तो नेगेटिव था। एक मिनट वैभव, ये लेटेस्ट फिंगरप्रिंट्स है ना पुनीत के, तो इन्हें चेक करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। फिर ये फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। ग्रेट। ये उंगलियों के निशान भी थोड़े से जले हुए हैं, झुलसे हुए हैं। सर इस जेलर ने बताया था कुछ दिन पहले जेल में आग लग गई थी और इस पुनीत ने उस आग में से कुछ लोगों की जिंदगियां बचाई थी। पुनीत, सीरियल किलर पुनीत, जेल में आग लगती है तो बाकी कैदियों की जान बचाता है,
अच्छे बर्ताव के लिए रिहा भी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुनित फिर से अपनी पुरानी आदतों पर तराया? तुम पुनित की बेटी हो? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? संध्या। संध्या, अच्छा संध्या है ना? क्या ये तुम्हारी माँ है? जी सर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या तुम अकेली रहती हो या तुम्हारे साथ और भी कोई है इस घर में? मेरा छोटा भाई आशु। आशु बाहर आओ। जी दीदी। सीआईडी वाले आए हैं, पापा के बारे में पूछ रहे हैं। सर कुछ पता चला पापा के बारे में? आपके पापा आपको बता के नहीं गए कि वो कहाँ जा रहे हैं? जी सर, कल शाम को पापा को एक कॉल आया था नौकरी के लिए, और पापा ने कहा मैं रात तक लौट आऊंगा, पर पापा अब तक आए नहीं और उनका फोन भी बंद आ रहा है। क्या नंबर है उनका? 125-230-823-30। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया सर, उन्होंने मेरी कसम खाई वो कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। मम्मी भी हमें छोड़कर चली गई है, उनके सिवा हमारे कोई नहीं है। मैंने पापा से कहा है कि हम सूखी रोटी खा लें, पर कोई कभी गलत काम मत करना प्लीज सर। मेरे पापा को कुछ मत करना, अब वो सुधर गए, वो कोई बुरे काम नहीं करते। अब तो दुनिया वाले भी हमें ताने देते, कहते हैं इसके पापा खूनी हैं। इनके घर रोज पुलिस आती है, हमसे कोई बात भी नहीं करता। अब तो रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया है, इसलिए मैंने आप लोग को अंदर बुला लिया ताकि किसी को पता ना चले कि हमारे घर पुलिस आई है। हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाता सर। हेलो, क्या? ओके। क्या हुआ? सर प्रशांत जी की वाइफ प्रेमा जी की हॉस्पिटल में मौत हो गई है। ठीक है, कम काम करो, पुनीत का फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन और चेक नाकों पर भेज दो। मुझे पुनीत चाहिए किसी भी हालत में। सर हाँ। देखो बेटा, मैं तुम दोनों से वादा करता हूं, अगर तुम्हारे पापा सुधर गए हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है तो मैं उन्हें नौकरी दिलवाऊंगा शहर से दूर, ठीक है? और एक बात, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, ठीक है? चलो अपना ख्याल रखना। ओके सर, पुनीत शांतिनगर इलाके में एक लोकल कॉप रतन उसका पीछा कर रहा है। रतन से कहो उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, हमारे ऑफिसर्स आते ही होंगे अभी। कहाँ है कबूतर? पीछे खड़ा है। क्यों पकड़ रहे मुझे? मैंने कुछ नहीं किया। नाम पुनीत और काम।
मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने कोई भी खून नहीं किया साहब, मैं सब बुरे काम छोड़ चुका हूँ साहब। चुप, बंद करिए नाटक। मैं कैसे बताऊँ आपको, जब मैंने किया ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूँ कि मैंने खून किया है। तो फिर तुम हमें देख के भागे क्यों? मैं बहुत डर गया था, मैं डर गया था कि आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। उस दिन जब मैं अपने घर पे पहुंचा तो चार लोगों पर हमला हुआ है, चार, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम पहले भी कर चुके हो, और उसमें से तीन की तो मौत भी हो गई है। और तो और, प्रशांत जी के घर के पीछे से हमें चाकू बरामद हुआ, उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है, और फिर उन दो घरों से भी उंगलियों के निशान मिले जिसमें तुम्हारे ही उंगलियों के निशान है। मैं सब आपको बताऊं, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन फंसाएगा तुम्हें? ये नाटक बंद करो, समझे? तुम्हारा मोबाइल ट्रैक किया था हमने, और वहीं पे ट्रैक हुआ जहां जहां पे खून हुआ था। मुझे नौकरी के लिए बुलाया था साहब, मुझे किसी ने फोन करके मुझे 11:30 बजे सानपाड़ा में बुलाया। मैं वहां गया, वहां मुझे कोई नहीं मिला, मैंने इंतजार भी किया। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे दूसरा फोन आया, सेंटर पे बुलाया मुझे 3:30 बजे, कोई सिक्योरिटी गार्ड का जॉब था। मैं सच कह रहा हूँ साहब, आप मेरा एक काम कीजिए, आप फोन चेक कर लीजिए मेरा। सर, पहला कॉल कल रात को आया था 10:30 बजे, और दूसरा आया था 2:45 बजे। दोनों अलग अलग नंबर से कॉल किए गए हैं, अलग अलग लैंडलाइन से। पुनीत, हम पता लगा ही लेंगे कि कहां से फोन आए थे और किसने किए थे वो फोन। आकाश जी, मुझे एक बात का बड़ा ताज्जुब हो रहा है, सिद्धार्थ अपना खुद का बिजनेस क्यों करना चाहता है? वो आपका बिजनेस भी तो संभाल सकता है, इतना बड़ा कारोबार जो है आपका। आपकी बात बिल्कुल सही है भाई साहब, लेकिन सिद्धार्थ ये साबित करना चाहता है कि मेरे सपोर्ट के बगैर वो बिजनेस में टिक सकता है कि नहीं। वैसे भी सारा कारोबार उसी का तो है, कभी भी ज्वाइन कर सकता है। वेल सिद्धार्थ, आई एम इम्प्रेस्ड। सॉरी, चाय कहीं हाथ पे तो नहीं गिरी आपके? नहीं, इट्स ओके। भैया, पापा अपनी चाय की वेट कर रहे हैं। वैसे बेटा, आप क्या करते हो संडे को, छुट्टी के दिन? कुछ नहीं आंटी, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने चले जाता हूँ, फिरने चले जाता हूँ, कभी कभार क्रिकेट खेल लेता हूँ, एडवेंचर कर लेता हूँ थोड़ा बहुत बस। और श्रेया बेटी, आप संडे को क्या करती हो? दरअसल हमारी सीआईडी की ड्यूटी में संडे वनडे तो होता नहीं है, तो पर श्रेया बेटा, शादी के बाद तो सीआईडी छोड़ दोगे ना? अपनी सास का हाथ बटाओगी ना घर में? मम्मी, अगर श्रेया को आफ्टर मैरिज जॉब करना पसंद है तो वो कर सकती हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है अगर उन्हें पसंद है तो जॉब करना। हमारे देश का कानून कहता है कि भले 10 अपराधी सजा से बच जाए, मगर एक निर्दोष को कभी सजा नहीं होनी चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। सर, हाँ? पुनीत को जो दो फोन आए थे वो रेलवे प्लेटफॉर्म के पीसीओ से किए गए थे, अलग अलग पीसीओ से। अच्छा, तो क्या वाकई कोई पुनीत को फंसाने की कोशिश कर रहा है? और अगर ऐसा है
तो फिर वो वही आदमी कर सकता है जो पुनीत के आसपास का है। मैं ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानता सर। पुनीत कोई तो है जो जानता था कि तुम कब जेल से रिहा होने वाले हो, और वो ये भी जानता था कि तुम्हें नौकरी की सख्त जरूरत है। सर ये बात तो मेरे और मेरे बच्चों के अलावा कोई नहीं जानता। पुनीत जी जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सके। सोचो पुनीत, एक लेखक मुझसे मिलने आता था। लेखक? जी सर। क्यों क्यों मिलने आता? वो कह रहा था कि वो मेरे ऊपर किताब लिखना चाहता है, मतलब कि मैं कैसे लोगों को मारता था, मैं क्या सोचता था वगैरह वगैरह। और वो ना अपना पेन मेरे हाथ में पकड़ा देता था और कहता था कि जैसे छुरा पकड़ते थे वैसे आप इस पेन को पकड़िए। और मैं उस पेन को पकड़ता था, फिर वो मुझसे कहता था कि जैसे छुरा मारते थे वैसे आप मारिए। तो मैं मारता था वैसे, फिर वो अपने मोबाइल पे मेरी फोटो लेता था। वो कोई 6 महीने पहले मुझसे मिलने आया, बाद में 8-10 दिन के बाद में वो गायब हो गया, फिर मुझे कभी नहीं मिला। है कौन ये लेखक, क्या नाम क्या है उसका, दिखता कैसे था? सर नाम तो याद नहीं आ रहा अभी, पर दाढ़ी थी सर उसके, बाल लंबे थे तो चोटी बांधता था, और आंखें उसकी नीली थी। तकरीबन सर के जैसी हाइट थी। अच्छा रेडी, नेट से पता लगा, देखो ऐसा कोई लेखक है क्या। सर ऐसा तो कोई लेखक है नहीं। ऐसा कोई लेखक है ही नहीं, ऐसा तो कोई लेखक है नहीं। सर ये भी तो हो सकता है कि ये कोई लेखक ना हो बल्कि कोई ऐसा बहरूपिया हो जो पुनीत के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए आया हो। सचिन ये बहरूपिया ही है, लेखक नहीं बहरूपिया ही है। इसी ने पुनीत को 2 बार फोन करके बुला लिया था, सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी के लिए और कॉल सेंटर पर। भले इसने लैंडलाइन से फोन किया हो मगर उसके पास सेलफोन तो होगा ही ना, जरूर होगा सेलफोन। काम करो उस वक्त इन दोनों जगहों पर पता लगाओ कौन कौन से सेलफोन नंबर्स नेटवर्क में थे। के नंबर के अलावा एक और नंबर है जो कॉमन है सर, 10:30 से लेकर 12:30 के बीच ये नंबर सानपाड़ा में था, और 3:30 से 5:30 बजे सुबह ये नंबर सेंट्रल में था सर, जहां पे खून हुआ है। तो ये सचिन पता लगाओ ये किसका मोबाइल नंबर है। मिस्टर प्रशांत किस रूम में मिलेंगे? 1 मिनट, डीलक्स रूम नंबर 4। Thank you.
तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा और तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? ऐसी बात नहीं है, मेरी हालत तो देखो। हालत कुछ भी हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कितना बड़ा रिस्क लिया है मैंने, कुछ भी हो सकता था। जान तो नहीं जाती ना। मैंने तो अपने आप पर हमला करवाया है, अपनी जान दांव पर लगाई है, अपनी बीवी को खून करवा दिया। इससे ज्यादा तो कोई रिस्क नहीं होता। वैसे भी हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा काम अभी बाकी है, हमें इसी तरह और तीन चार खून करने पड़ेंगे ताकि उस आईडी को पता चले कि ये कोई सीरियल किलर का काम है। प्रशांत जी, बहुत खेल खेल लिया, अब हमारी बात, अब हम खेल खेलेंगे तुम्हारे साथ। इसका मतलब है आप लोगों ने हमारी सारी बातें सुनी? हाँ, हमने सब सुन लिया, और यही सुनने के लिए हमने खेल भी रचाया था तुम्हें फंसाने का। और फंस गए तुम, इसे जानते हो ना, तुम्हारा आदमी। लेकिन अब ये तुम्हारा आदमी नहीं, हमारा आदमी, हमारा आदमी, सरकारी गवाह है ये, समझे? सरकारी गवाह। पकड़ो, सर पकड़ो। तुम भी इसकी जान मत लेना, बस चार गोलियां दाएं पैर में और चार गोलियां बाएं पैर में ठोक दो ताकि जिंदगी में भागने लायक ना रहे। मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने पैसे दिए, मैंने पैसे लेके खून किया था। और उसके बाद तुमने पुनीत को नौकरी देने के बहाने फोन करके बुलाया उस इलाके में, है ना? जी सर। किसने दिए थे पैसे? प्रशांत जी। क्या ना पूरा धोखा? तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही धोखा दे सकते हो, हम नहीं? बताओ क्यों किया तुमने ये सब? अपनी बीवी से बदला लेने के लिए। मैं कितना प्यार करता था उससे, क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, और उसने मुझे धोखा दिया। किसी और के साथ भाग जाना चाहती थी वो, इसीलिए मैंने मेरी बीवी के खून का प्लान बनाया। प्लान बनाया, पुनीत को फंसाने का प्लान बनाया है? तुम्हें पता था कि वो जेल से बाहर आने वाला है? हाँ, मैंने पुनीत को भी अपने प्लान में फंसाया, और इसीलिए एक लेखक बनकर तुम उससे मिलने गए, ये कह के कि तुम उस पर किताब लिखना चाहते हो, और इसी बहाने तुमने उसके फिंगरप्रिंट्स उठा लिए। अपने बीवी से छुटकारा ही चाहते थे तो उसे तलाक दे देते, उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? और तो तुमने दो मासूम लोगों की जाने भी ली, सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें एक मुजरिम जो अपने आप को सुधारना चाहता था उसे भी अपने घिनौने प्लान में बलि चढ़ाने का सोच लिया। तुम जैसे हो तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी।
लो भाई, आ गई तुम्हारी मंजिल। अब क्या हुआ यार? इस बार तुम मुझे खींच के लाए हो ना। चलो बात कर लेते हैं। अरे यार वो मैं सिर्फ ये जानने आया था कि श्रेया ने उस लड़के को वहां बुलाया या नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। कब भी पता नहीं चलेगा जब गाड़ी से नहीं उतरोगे तो। चलो भाई। यार अभिजीत तुम जाके देखो यार। क्या मतलब? मैं? हाँ। मैं क्यों करूँ यार, तुम्हारा काम है, तुम जाओ करो यार। यार तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, लेकिन ये उधार रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, तारिका से मैं बात करूंगा तुम्हारे लिए। नहीं प्लीज, आप दूरी रहिए, मैं अपना संभाल लूंगा यार। नहीं नहीं तुम इधर ही रहो, मैं आता हूँ पता करके। उर्वी? सर? सर आप यहाँ पर? श्रेया कहाँ है? सर श्रेया अपने कमरे में। और फंक्शन कैसा रहा? सर फंक्शन ठीक था सर। सर सर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ अच्छा लड़का है सर। श्रेया ने क्या 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 बोला उसको? सर श्रेया श्रेया ने हाँ कह दी। अच्छा ओ एक वो क्या? नहीं वो हाँ बोल दिया श्रेया ने। अरे यार क्या लड़का है? नहीं तबीयत खराब हो गई उसकी। अभिजीत तुम सही कह रहे थे, श्रेया को अपने दिल की बात बता देता हूं मैं कि मेरे दिल में क्या है। मैं उसको बता दूंगा कि उसके लिए मेरे दिल में क्या है। क्या बीतेगी दया पे जब उसे पता चलेगा कि श्रेया ने शादी के लिए उस लड़की को हाँ कर दी है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।